तो फेल गेम फैमिली आजकल मेरा फेवरेट गेम बन गया है फीफा मोबाइल, और मैं दिन रात फीफा मोबाइल खेले ही जा रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, अभी फीफा मोबाइल पर साल का सबसे बड़ा इवेंट चल रहा है जिसका नाम है टीम ऑफ द ईयर इवेंट, या फिर TOTY शॉर्ट में। और ये गेम आपको एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मिल जाएगा। तो अगर आपको अभी तुरंत डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे दिए गए डाउनलोड लिंक से फीफा मोबाइल डाउनलोड कर सकते हो, और उसके बाद आप मेरे साथ भी फीफा मोबाइल खेल सकते हो। वैसे अगर आपको अपने दूसरे दोस्तों के साथ फीफा मोबाइल खेलना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इन्वाइट सेंड करो अपने दोस्त को और उसके साथ हेड टू हेड मैच खेल कर देखो कि आप ज्यादा अच्छा खेल रहे हो या आपका दोस्त ज्यादा अच्छा खेल रहा है। प्लस कि आप जब डेली लॉगिन करते हो ना फीफा मोबाइल पर और आप क्वेस्ट करते हो, तो डेली लॉगिन और क्वेस्ट करने पर आपको कमाल के रिवॉर्ड्स मिलेंगे भाई। और जैसा आप देख रहे हो कि फीफा मोबाइल का डिस्प्ले एनिमेशन इनहेंस्ड कर दिया गया है, इसलिए इसका गेम प्ले और ज्यादा मस्त दिख रहा है। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फीफा मोबाइल का साल का सबसे बड़ा इवेंट यानी कि टीम ऑफ द ईयर इवेंट चल रहा है, तो आप सोचो कि भाई ये इवेंट आखिर है क्या। तो पिछले साल जो भी बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स थे, उन सभी बेस्ट प्लेयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए साल का सबसे बेस्ट इवेंट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ फीफा मोबाइल पर। तो सारे टॉप स्टार्स, सभी टॉप क्लब्स के, उन्हें रिप्रेजेंट किया जाएगा इस साल के सबसे प्रेस्टीजियस इवेंट पर। तो टीम ऑफ द ईयर इवेंट के लिए 100 बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था 12 महीनों के गेम के बाद, और फिर इन 100 सुपरस्टार्स में से कम्युनिटी ने वोट किया, जिसके आधार पर फाइनल 11 प्लेयर्स चुने गए हैं। और वो 11 प्लेयर्स आ चुके हैं फीफा मोबाइल के टीम ऑफ द ईयर इवेंट में 2 फरवरी 2023 से। तो फेल गेम फैमिली, आपके पास भी चांस है कि आप इन 11 टॉप प्लेयर्स से आइटम्स जीत सकते हो, और इसके साथ आप अपने फेवरेट क्लब से भी रिवॉर्ड जीत सकते हो। और अगर आप स्किल गेम्स और अलग अलग चैलेंजेस कंप्लीट करके करेंसीज जीतते हो तो उससे आप प्लेयर्स को भी अनलॉक कर सकते हो। और इन केस अगर आपको अपना रिवॉर्ड बूस्ट करवाना है तो आप फीफा मोबाइल का बैटल पास खरीद सकते हो, और आपको स्पेशल कंडीशन में ना कोई हाई पावर्ड प्लेयर भी मिल सकता है। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा टीम ऑफ द ईयर इवेंट खेल के भी दिखा देता हूँ कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हो। तो इसमें अभी या तो मैं स्किल गेम खेल सकता हूँ टोकन कमाने के लिए, या फिर मैच खेल सकता हूँ, दोनों में से कुछ भी। और जब बहुत सारे टोकन्स हो जाएंगे तो उससे हम लोग प्लेयर भी अनलॉक करेंगे। तो चलो एक मैच खेलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि करना क्या है। तो इसमें चैलेंज पता है क्या है कि ये मैच सेकंड हाफ से स्टार्ट होगा, और मेरी अपोनेंट टीम ने भाई पहले ही से 2 गोल कर लिए हैं। तो मेरे पास अब हाफ टाइम है, 2 गोल से ज्यादा मारना है और सामने वाली टीम को गोल नहीं मारने देना है, वरना मेरे लिए मुश्किल और बढ़ जाएगी। जैसा आप देख सकते हो मैच हाफ टाइम के बाद स्टार्ट हो रहा है और मेरी टीम का स्कोर 0 है। 2 गोल फटाफट से करने हैं मुझे, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन इतना टाइम है कि 2 से ज्यादा गोल तो कर ही सकता हूं। स्प्रिंट करके अभी भागता हूं भाई, यही टाइम है गोल करने का। पहला गोल कर लिया कसम से। ये जो गोल मारने की फीलिंग है ना, बहुत ही ज्यादा ऑसम है। इसलिए फीफा मोबाइल आप लोग भी डाउनलोड करो और गोल पे गोल मारो। लेकिन अभी मेरा चैलेंज कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 गोल और मारने जीतने के लिए, और टाइम बहुत कम है। रिप्ले देखना है तो इसका बनता है। ये गोल तो आसानी से मार दिया था, अब देखते कि आगे क्या होने वाला है। अपोनेंट टीम के पास बॉल है, इनसे टैकल करके मुझे फुटबॉल छीनना होगा। छीनने नहीं देना है अपोनेंट को अपने पास से, गलती नहीं करना है। गोल मारने का टाइम आ रही, बहुत लेट कर दिया मैंने, शूट करने में बहुत टाइम लगा दिया और गोलकीपर ने पकड़ लिया था। कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, प्रेशर ही में ज्यादा अच्छा काम होता है। टैकल, एक आदमी को टैकल करो, गोल मत करने देना। गोल अगर मैंने करने दे दिया ना भाई, कांड हो जाएगा मेरे साथ। बस पहुंच ही गए गोलकीपर तक, टाइम पे बचा भाई साहब। एक तो टाइम कम है, अगर अभी गलती से गोल हो जाता ना, ओ भाई साहब वाट लग जाती। लेकिन कोई बात नहीं, टाइम है, अभी भी टाइम है, 2 गोल मारने के लिए इनफ टाइम है। बस गलती नहीं करना, इस बार ही गलती नहीं। शूट, इस बार दूर से शूट मार दिया मैंने। 2-2 फिलहाल ड्रॉ हो गया है, लेकिन अभी एक और गोल करना है भाई साहब। ये तो अभी ड्रॉ चल रहा है, टाइम भी बचा हुआ है, अपोनेंट टीम को गोल नहीं मारने देना है, और अभी ये जो ड्रॉ हुआ है इसको अपनी जीत में बदलना है, वरना चैलेंज फेल हो जाएगा। एक और रिप्ले इसका दूर से, खतरनाक गोल था। एक और गोल पड़ा ना, जीत की तरफ मेरी टीम निकल जाएगी, ऑटो में चल रहा है फिलहाल। गोल मारना, रुकना मत, बहुत सही खेल रहे हैं। गोल भाई गोल, जीत की तरफ निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी डिफेंड करना है, ड्रॉ भी नहीं करने देना है इनको, वरना पूरा फेल। इतना खेलने का कोई फायदा नहीं, ड्रॉ नहीं करने देना इसलिए। और अभी जो टाइम बचा है ना, उसमें डिफेंड भी करते रहूंगा और इनको गोल भी नहीं करने दूंगा, दोनों चीज पे ध्यान लगाना है। क्या हुआ, ओ इनका प्लेयर ऑफसाइड चला गया, बहुत बढ़िया। प्लेयर पे टैप करने से या स्वाइप करने से शूट कर देगा, ठीक है। मैं अपना डायरेक्शन भी चेंज कर सकता था, लेकिन यही सही है। पास करो, सारे प्लेयर्स इधर ही है। गोल थोड़ा नजदीक से करूं क्या, ये रिस्की हो जाता है, गोलकीपर पकड़ लेता है।
कोई बात नहीं, इस बार ही दूर से करूंगा मैं। सामने वाली टीम को गलती से भी गोल नहीं करने देना है, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। सोचना भी मत गोल करने का। खतरनाक खेल रहे भाई ये लोग, पहुंच ही गए, टैकल करो जल्दी से। ऑलमोस्ट गोल होते होते मेरी किस्मत अच्छी हो जा रही है, मैं बच जा रहा हूं। इस बार ही गोल करना, सेफ साइड के लिए ना 4-5 गोल रहे ज्यादा अच्छा है। एक और गोल, खतरनाक। देखो लेकिन अभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, सामने वाली टीम भी 2 बार गोल के करीब पहुंच गई थी, तो 2 गोल करने में उनको भी ज्यादा टाइम लगेगा नहीं और पूरा मैच ड्रॉ हो जाएगा। संभल कर, अभी भी टाइम थोड़ा ही सा बचा है, उसमें बस मैनेज करना है। अरे ये देखो, तुरंत पास कर करके ना जाने नहीं देना अपने गोल के करीब। एक और गोल बस मार दूं भाई, टेंशन फ्री हो जाऊंगा, तब तो पक्का जीतूंगा ये मैच में। ओए भाई अच्छा सेव किया, पता है डाइव करके सेव किया, लेकिन अच्छा था। लेकिन 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 अभी भी मेरे पास एक चांस है गोल मारने का, इसको मिस नहीं करूंगा। पर इतने सारे प्लेयर सब एक साथ खड़े हो ना, दूर से शूट कर सकता हूं। ये पकड़ लेता है गोलकीपर, कोई बात नहीं, अभी भी जीत रहा हूं और टाइम भी कम ही बचा है। थोड़ा देर और मैनेज करना है, या तो डिफेंड करना है या फिर गोल करना है। ज्यादा देर है नहीं, मैं ऑलमोस्ट जीत ही गया हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं इस मैच के लिए। बस एक गोल और शूट, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब तो कोई चांस ही नहीं ये जीतने से, कोई रोक सकता है, जीतना तो मुझे ही इस मैच के बाद। जीत की एक सेलिब्रेशन बनती है, 5-2 कर दिया, ये चैलेंज तो अपन जीत रहे हैं। और टोकन सर्न करेंगे, प्लेयर अनलॉक करेंगे भाई, रिप्ले पार किया जाए, टाइम बस अब खत्म ही होने वाला है। ऑटो पे है फिलहाल, मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि मैंने जितनी मेहनत करनी थी कर ली है, अब मेरी टीम जीती भी आ रही है। रोक लो, क्या कर रहे हो, ऑटो पे मैंने भरोसा करके छोड़ा था, क्या करते हो। अब ऑटो पे नहीं रखूंगा भाई, किस्मत हेरा फेरी कर सकती है। इनकी किस्मत खराब है, गोल पोस्ट से टकरा के वापस आ गया, बहुत अच्छा गोलकीपर। बस जीत गया, ऑलमोस्ट जीत अपनी है। सीटी बजाओ, खत्म करो, टाइम अप हो गया है। आज को जीत लिया, चलो देखते हैं कि कितने टीम ऑफ द ईयर टोकन्स मिलते हैं और उसी से हम लोग प्लेयर्स अनलॉक कर सकते हैं। इनहेंस ग्राफिक्स होने की वजह से ना इतना सही नजर आ रहा है गेम प्ले, बहुत सही है। लेकिन टोकन्स कितने मिले ये बताओ, चैलेंज कंप्लीट किया है वो भी हार्ड में। इस आइटम पैक को खोला जाए, देखिए इसमें क्या है। टीम ऑफ द ईयर पॉइंट्स मिले 10, वो भी बहुत बढ़िया, और टोकन मिले 10। तो टीम ऑफ द ईयर टोकन्स मेरे पास अभी टोटल 83 है और अभी हम लोग एक टीम ऑफ द ईयर प्लेयर को अनलॉक करेंगे 40 टोकन से, जिनका ओवरऑल 98 प्लस रहेगा। तो चलो देखते हैं कि वो कौन है। इसको ओपन किया जाए, ओके जरा देखे तो भाई कौन से प्लेयर है। 99 के ग्रिफो मिले, खतरनाक। तो इस तरह के चैलेंजेस और स्किल गेम्स खेलकर आप भी प्लेयर अनलॉक कर सकते हो। तो ये जिन्होंने फीफा मोबाइल गेम बनाया है, उन्होंने खास करके इंडियन प्लेयर्स के लिए फीफा मोबाइल इंडिया डिस्कॉर्ड सर्वर बना दिया है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गिव अवे प्लान कर रहे हैं फीफा मोबाइल के जो भी प्लेयर्स इंडिया में, उन सब के लिए। तो अगर आपको गिव अवे जीतना है जिसमें आपको एप्पल वॉच या फिर अमेजोन वॉचेस भी मिल सकते हैं, तो आपको ये डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा। प्लस कि इस डिस्कॉर्ड सर्वर पे ना आप अपना गेम प्ले शेयर कर सकते हो, दूसरे प्लेयर्स के साथ बातचीत कर सकते हो, और इस डिस्कॉर्ड सर्वर पर ये अक्सर एक्सक्लूसिव गिव अवे करते रहते हैं। तो फेल गेम फैमिली, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इस डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैंने भी इस डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लिया है, ताकि ये जो अभी गिव अवे होने वाला है ना एप्पल वॉच प्लस अमेजोन वॉचर का, अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है मुझे ही मिल जाए और आपकी भी किस्मत अच्छी हो सकती है। तो इसलिए डिस्कॉर्ड सर्वर को जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस गिव अवे के बाद भी और गिव अवे होते रहेंगे। प्लस फीफा मोबाइल का जो भी नया अपडेट है, वो आपको सारे अपडेट्स यहाँ डिस्कॉर्ड सर्वर में भी मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद मैं फिर से जा रहा हूँ फीफा मोबाइल खेलने और इस साल का सबसे बड़ा इवेंट टीम ऑफ द ईयर इवेंट को कंप्लीट करने, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड में जीत सकूं। तो फेल आर्मी, आप लोग भी फीफा मोबाइल डाउनलोड कर लो, अपने दोस्तों के साथ खेलो, और अगर आपको गिव अवे जीतना है तो फीफा मोबाइल का ऑफिशियल इंडियन डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, और अगर आप कुछ जीतते हो तो कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना।